फिल्म शुरू होती है और वंडरफुल वंडरलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं, जो कि वंडरलैंड की जान है और उनका काम है वंडरलैंड में आए सभी लोगों को खुश करना। ये सभी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और ये है प्यारा पीनट, जिसने अपने जादुई मार्कर से वंडरलैंड को बनाया है। और प्यारा पीनट आज भी कुछ खास बनाने वाला है, पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और जून को दिखाया जाता है और उसके साथ उसकी मॉम भी है। ये दोनों भी वंडरलैंड की बातें कर रही है, जैसे कि इन्होंने ही उसे बनाया हो। आज भी जून कहती है कि पीनट को एक फ्लाइंग फिश वाला मैरीगोराउंड बनाना चाहिए, जिसमें बटन दबाते ही फिश उड़ने लगेगी। और फिर उसकी मॉम टैडी पीनट के कान में ये आइडिया बोलती है, जो कि रियल पीनट को सुनाई देता है और पीनट सेम वैसी ही मैरीगोराउंड बना डालता है, जो कि एकदम जबरदस्त होता है। पीनट कहता है कि थैंक यू, तुम जो भी कोई हो और जहाँ पर भी हो। वहीं जून के मॉम डैड उसे सुला देते हैं। जून अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आपको लगता है कि वंडरलैंड सच में हो सकता है, तो मॉम कहती है कि हाँ बेशक हो सकता है, क्योंकि जिस लड़की ने उसे इमेजिन किया है वो कुछ भी कर सकती है और वो तुम हो। फिर अगले दिन जून अपने दोस्तों के साथ सच में वंडरलैंड राइड बनाने निकल पड़ती है, जिसमें बंकी उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वो सब छुटंकी ऐसी राइड बनाते हैं जिससे चारों तरफ तबाही फैल जाती है। पर जून को इसमें बड़ा मजा आता है, पर एक गड़बड़ हो जाती है। जून के मॉम डैड को सारे पैसे भरने पड़ते हैं जो नुकसान जून ने किया था। जून की मॉम भी जून से नाराज हो जाती है। वो कहती है कि इस बार तुम्हें सिर्फ हाथ पे चोट लगी है, अगर कहीं और लग जाती तो। तो जून कहती है कि मॉम आपने ही तो कहा था कि वंडरलैंड सच में हो सकता है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब मॉम कहती है कि हाँ जून, पर तुम्हें अपनी और दूसरों की भी परवाह करनी चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। फिर जून कहती है कि बिल्कुल मॉम, मैं सबका ख्याल रखूंगी। और फिर जून और उसकी मॉम घर पे ही वंडरलैंड बनाना शुरू कर देती है। जून के मॉम डैड बहुत प्यारे हैं, वो उसको कुछ भी नया करने से कभी नहीं रोकते। फिर धीरे धीरे वो पूरे घर में वंडरलैंड बना देते हैं और अब हमारी जून भी बड़ी हो रही है और वो और उसके मॉम डैड बहुत खुश है। पर फिर उसकी मॉम को एक कॉल आती है। मॉम जून के वंडरलैंड वाले नक्शे पर अपना साइन करती है और उसे बताती है कि मैं बीमार हूँ, कुछ स्पेशल डॉक्टर्स हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, पर उनसे मिलने के लिए मुझे तुमसे थोड़े टाइम के लिए दूर जाना होगा। जून कहती है कि आपको कितने दिन लगेंगे। तब मॉम कहती है कि वो तो मैं भी नहीं जानती, पर मैं ठीक होकर जल्दी वापस आ जाऊंगी और तुम अपने वंडरलैंड को बनाती रहना, तुम उसकी जान हो। और फिर वो जून को बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। जून अपनी मॉम के जाने से बिल्कुल टूट जाती है। फिर एक दिन वो अपने वंडरलैंड से खेल रही होती है, तभी उसे याद आता है कि मॉम ने कहा था तुम्हें जो भी बनाना है वो तुम पीनट के कान में कह सकती हो। जून ऐसा करने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कह पाती और वो पूरे वंडरलैंड को समेट कर पैक कर देती है और पीनट को भी बंद कर देती है। और अब जून पूरी तरह से बदल जाती है। उसके दोस्त उसके साथ खेलने की बहुत कोशिश करते हैं पर जून उन्हें भगा देती है। तभी उसके आंटी अंकल उनके घर में आ जाते हैं। वो जून से दोबारा वंडरलैंड बनाने की बात करते हैं। वो जून और उसकी मॉम का बनाया वंडरलैंड का नक्शा बाहर ले आते हैं, पर जून उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वंडरलैंड सच नहीं है और वो उसे जला देती है, जिसमें उसकी मॉम के साइन भी होते हैं, जो कि पाइप में से निकलकर बाहर उड़ जाते हैं। फिर अगले दिन जून के डैड उससे कहते हैं कि कल तुम्हारा मैथ कैंप है, पर जून उसमें जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे आपकी देखभाल के लिए घर पर ही रहना होगा। तब डैड कहते हैं कि जून, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, और वो किसी तरह जून को मैथ कैंप में जाने के लिए मना लेते हैं। फिर जून अपने दोस्त बंकी के साथ मैथ कैंप के लिए निकल पड़ती है, जिसमें पहले तो जून खूब इंजॉय कर रही होती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसके डैड उसके बिना नहीं रह पाएंगे। वो बंकी से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे घर जाना है। वो बंकी को झूठ में उल्टी करने को कहती है और बंकी भी वैसा ही करता है, जिससे बस रुक जाती है और सब बस से बाहर आ जाते हैं। और जून चुपके से बंकी को थैंक यू बोलकर जंगल में चली जाती है और उसकी बस आगे बढ़ जाती है। जून भी घर के रास्ते पर जाने लगती है, पर तभी उसे उसकी मॉम का साइन किया हुआ पेपर मिलता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर वो उसके हाथ नहीं आता। वो पेपर तो जून को अपने पीछे पीछे घने जंगल के अंदर ले जाता है। वो जून को जंगल के बहुत अंदर ले जाता है और फिर जून उसे पकड़ लेती है। फिर जून को वहाँ पर एक राइड दिखती है, जून भी उस पर बैठ जाती है और उसे चला देती है और उसमें बैठकर जून सच्ची वाले वंडरलैंड में पहुँच जाती है। जून को तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ वो सारे प्यारे एनिमल्स आ जाते हैं, पर वो किसी से डरकर भाग रहे होते हैं। वो जून को भी भागने को कहते हैं क्योंकि उन सबके पीछे खतरनाक जॉम्बी डैडीज पड़ गए हैं। जून ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि ये वंडरलैंड में आखिर हो क्या रहा है। वहीं वो प्यारे प्यारे एनिमल्स किसी तरह उन जॉम्बी डैडीज से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। फिर जून उनके पास आती है, वो उनसे पूछती है कि ये सब कैसे हो गया। तब भालू बूमर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, वंडरलैंड में हर रोज की तरह सब कुछ मजे में चल रहा था। तभी अचानक से पार्क को चलाने वाले क्लॉक वर्क स्विंग्स रुक गए और घना अंधेरा आया, जिसने सारे क्यूट डैडीज को खतरनाक जॉम्बी डैडीज में बदल दिया। और तब से ये सारे डैडीज पार्क को तोड़ रहे हैं और सारी चीजों को उस अंधेरे को खिला रहे हैं। वहाँ गई कोई भी चीज कभी लौट कर नहीं आती। ये सब सुनकर जून कहती है कि क्या पीनट भी कुछ नहीं कर पाया, वो कहाँ है,
तब बूमर कहता है कि वो क्लॉकवर्क स्विंग को ठीक करने गया था, पर उसे सारे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया और वो उसे अपने साथ ले गए। फिर जून उस नक्शे को बाहर निकालती है जिसे उसने और उसकी मॉम ने बनाया था। वो सब उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास ये नक्शा कैसे आया, तो जून कहती है कि इसे मैंने और मेरी मॉम ने हमारी कल्पना से बनाया था। जिस पर बूमर कहता है कि क्या सच में, तब तो तुम क्लॉकवर्क स्विंग को ठीक कर सकती हो। पर तभी एक बार फिर से टैडी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। वो सब उनसे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, पर वो जून पर हमला कर देते हैं। उसे बचाने के लिए पिगी ग्रेटा अपनी पूरी जान लगा देती है और उसे बचा लेती है, जिसके बाद जून और सारे क्यूट एनिमल्स अपने अड्डे पर आ जाते हैं, जहाँ जून उनसे कहती है कि मैं क्लॉकवर्क स्विंग को ठीक कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझे वहाँ ले जाना होगा। फिर वो सब वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। जून क्लॉकवर्क स्विंग को ठीक करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर खराबी कहाँ है, और तभी गलती से उसका नक्शा हवा में उड़ जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में वो सब एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर टैडी ज़ॉम्बीज भरे पड़े होते हैं। वो सारे ज़ॉम्बीज उन पर हवाई बॉम्ब से हमला कर देते हैं, जिससे वो सारी जगह टूटने लगती है, जिसमें जून के दोस्त तो बच जाते हैं, पर जून बीच में ही अटक जाती है और नीचे गिर जाती है। बूमर उसे छतरी की मदद से गिरने से बचा लेता है, पर जून उस पर बैठकर एक दूसरी जगह पहुंच जाती है, जहां से वो जीरो ग्रेविटी लैंड में गिर जाती है और वहां पर उसे दिख जाता है पीनट। पीनट उससे कहता है कि तुम कौन हो, तब जून कहती है कि मैं ग्रेटा और बूमर की दोस्त हूँ, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगे, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब पीनट कहता है कि मैं उस दिन किसी तरह ज़ॉम्बीज के चंगुल से बच गया और मैं यहाँ आ गया, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। फिर जून कहती है कि तुम यहाँ अकेले हो, तुम्हें एक बार फिर से अपने मार्कर से वंडरलैंड को बनाना होगा, ये सब तुमने बनाया है। जिस पर पीनट कहता है कि ये सब झूठ है, ये सब आइडिया मुझे एक आवाज़ ने दिया जो मेरे कानों में आती थी। फिर जून कहती है कि और क्या, वो आवाज़ एक दिन चली गई और इस जगह को अंधेरे ने घेर लिया। तो पीनट कहता है कि हाँ, शायद वो मुझे भूल गई, पर मैं रुका रहा कि वो वापस आएगी और मेरी मदद करेगी। इसके बाद वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं, पर तभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। जून किसी तरह पीनट का मार्कर पकड़ लेती है, पर उसे सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, पर पीनट उसे बचा लेता है और खुद ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है। जून भागकर अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें पीनट के बारे में बताती है और कहती है कि हमें उसे बचाना होगा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, सब मेरी गलती है, ये अंधेरा मैंने ही बनाया है, मैंने पाक की परवाह छोड़ दी थी। पर ये सारी बातें सुनकर उसके दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं। बूमर कहता है कि हमारी क्या गलती थी, तुमने हमारी परवाह क्यों छोड़ दी, और वो वहाँ से चले जाते हैं और जून बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो कहती है कि आई एम सॉरी मॉम, तभी वो खोया हुआ नक्शा उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर जून को हिम्मत मिलती है और वो एक बड़ी सी मशीन के अंदर पहुंच जाती है, जहां वो अपने जुगाड़ू दिमाग से उस मशीन को चालू कर देती है और आगे बढ़ जाती है और पार्क के दूसरी तरफ जाने वाले पुल को ठीक कर देती है, जिसे देखकर सारे प्यारे एनिमल्स भी खुश हो जाते हैं। जून उनके पास आकर उनसे कहती है कि मेरी मॉम बीमार हो गई थी, जिससे मेरे अंदर उनको खोने का डर आ गया, मैं इतना डर गई कि मैं खुद को ही भूल गई, पर अब मैं समझ गई हूँ मॉम भी मुझे इस हालत में नहीं देखना चाहेगी। जिसके बाद वो सब फिर से दोस्त बन जाते हैं और वो पीनट को बचाने के लिए अंधेरे के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ ज़ॉम्बीज पीनट को अंधेरे के अंदर डाल देते हैं। सब कहते हैं कि अब क्या करेंगे हम, तब जून कहती है कि मुझे अंधेरे के अंदर जाना होगा और पीनट को अंधेरे से वापस लाना होगा। और फिर जून भी अंधेरे के अंदर आ जाती है, जहां उसे पीनट दिख जाता है। जून किसी तरह उस तक पहुंच जाती है। जून पीनट से कहती है कि वो आवाज़ मेरी मॉम की है, वो कभी भी हार नहीं मानती, तो हम भी हार नहीं मानेंगे। पर पीनट कहता है कि मैं उसके बिना ये नहीं कर पाऊंगा। तब जून उसे आकर मार कर देती है और उसके कान में कहती है कि पीनट इस दुनिया का सबसे बड़ा स्लाइड हमारे लिए बनाओ, वो भी स्ट्रॉ वाला। ये सुनकर पीनट खुश हो जाता है और स्लाइड बनाना शुरू कर देता है और वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, पर उनके दोस्तों को ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, पर पीनट उन्हें भी बचा लेता है। वहीं अब जून को समझ आ जाता है कि ये नक्शे पर मेरा नाम लिखा है, मॉम मेरा नाम लिखकर इसे ठीक करने का आइडिया बता रही थी। वो पीनट से कहती है कि क्लॉकवर्क स्विंग पर मेरा नाम लिखो और इसे शुरू करो, और पीनट वैसा ही करता है और सच में ही क्लॉकवर्क स्विंग फिर से शुरू हो जाते हैं। उनके चलते ही पूरा पार्क फिर से जुड़ने लगता है, ज़ॉम्बी टैडीज भी क्यूट टैडीज में बदल जाते हैं। वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सब अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। जून पीनट से कहती है कि अब तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी, और फिर जून वहाँ से बाहर आ जाती है और अपने घर पहुँच जाती है और अपने डैड के गले लग जाती है, जिसके बाद वो अपने सारे खिलौनों को बाहर निकाल देती है और वंडरलैंड को फिर से बनाना शुरू कर देती है। और फिर एक दिन जून की मॉम भी वापस आ जाती है और वो भी एकदम ठीक होकर जून उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाती है, और प्यारी जून अपने घर में प्यारा सा वंडरलैंड भी बना देती है, जहाँ उसके सब दोस्त उसके साथ होते हैं। और वहाँ से जून पीनट के कान में नए नए आइडियाज बताती है और रियल पीनट भी बिल्कुल वैसा ही करता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके